नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लास्ट वीडियो की अंदर आपने यूनिट नंबर 3 यस आई विल ना फर्स्ट पार्ट ना क्वेश्चन आंसर समझिया। आशा है तमे समझी ने तैयार पण करी नाख्या हशे। हवे आ वीडियो की अंदर पार्ट 2 ना क्वेश्चन आंसर आपने समझवाना छे अने एने तैयार पण करवाना छे। चलो मित्रों, आपणे यूनिट नंबर 3 ना मुख्य एक्टिविटी ना क्वेश्चन आंसर समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन छे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 220 ml बॉटल ऑफ शेम्पू। 220 ml बॉटल ने शेम्पू की किंमत शू है? तो जवाब है, द कॉस्ट ऑफ 220 ml बॉटल ऑफ शेम्पू इज 152 rupees। तो 152 rupees ए 200 ml बॉटल की किंमत है। तो 200 ml बॉटल की किंमत के 152 rupees। बीजा क्वेश्चन तरफ जाइए मित्रों, डीड हैरी ऑफर अ डिस्काउंट टू रेस में। डिस्काउंट एट के वर्तर, शू रेस में हैरी ने वर्तर आप डिस्काउंट आप? तो जवाब है यस, हैरी ऑफर अ डिस्काउंट टू रेस में। हाँ, हैरी रेस में वर्तर आप डिस्काउंट आप। तीजो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 bottles। 5 bottles की किमत कितनी है? द कॉस्ट ऑफ 5 bottles इज 1500 rupees। 1500 rupees ए 5 bottles की किमत है। चौथो क्वेश्चन है मित्रों, वाय वॉज हैरीज हंगर स्ट्रॉन्गर। हंगर एट भूख, स्ट्रॉन्गर एट शाट हैरी की भूख वी गई? तो जवाब है, हैरीज हंगर वॉज स्ट्रॉन्गर बिकॉज He sold 5 bottles of shampoo। हैरी ने जो भूख है वधी गई कारण के एने शेम्पू ने 5 bottles वेची थी, एटला माटे हैरी ने भूख वधी गई। मित्रों आज है, जो तमने ऊपर एक एड जुवाती हे बराबर है, जेनी अंदर सतीश भाई दर्जी मोबाइल नंबर मुकेलो है, पलक स्टूडियो, आ प्रकार तमे कार्ड्स जोया हे बराबर है। आपणे ज्यारे कोई शॉप में जाइए छे बराबर, विजिटिंग कार्ड जोया हे बराबर है। तो आ प्रकार विजिटिंग कार्ड होय छे एनी माहिती ना आधारे आपणे क्वेश्चन आंसर आपवाना एक्जाम में पूछाय छे बराबर छे। एना माटे मैं अहींया एक एक्जाम्पल तरीके एक कार्ड लई लीधो छे, पलक लेडीज टेलर छे, जे पंजाबी ड्रेस अने ब्लाउज स्पेशलिस्ट है बराबर है। एमनो एड्रेस नीचे आप 12 अंकुर कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड अमरेली बराबर है। तो आ शू है, विजिटिंग कार्ड है बराबर है। आप ज्यां पण कोई कपड़ा की दुकाने जाइए, कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकाने जाइए, गमे ते कारपेंटर की दुकाने जाइए, तो आपने एमन विजिटिंग कार्ड आपे बराबर है, जेनी अंदर एमनी डिटेल बड़ी माहिती स्पेशलिटी लखेली हो। तो आ प्रमाण विजिटिंग कार्ड हो के पछी कोई जाहेरात आपवानो एड होय एनू जे रैपर होय एना संदर्भे आपणे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनना आंसर आपवाना होय छे। आ प्रमाणेनो एक पेरेग्राफ एक्जाम में पूछाय छे, जेनो जे एना कारणे मैं अहींया एक लई लीधो छे। सो फर्स्ट क्वेश्चन छे, हूज कार्ड इज धीस। आ कार्ड कोनू छे? तो कोनू छे? लेफ्ट साइड में कॉर्नर में लखेलू छे सतीश दर्जी, ए आ कार्डनो कार्ड एनु छे बराबर छे, आ ओनर छे कार्डनो। तो शू छे? दिस इज सतीश भाईज कार्ड। आ कोनू छे? तो सतीश भाई नो कार्ड छे। बीजो क्वेश्चन छे, व्हाट इज सतीश भाई। हवे अहींया सतीश भाई शू छे? तो पलक लेडीज टेलर, जो टेलर आ एक टेलर नो कार्ड छे बराबर छे, तो स्वाभाविक छे के सतीश भाई शू हशे? टेलर। तो सो सतीश भाई इज अ टेलर। सतीश भाई शू छे? टेलर छे, कि जे कपड़ा सीवे छे टेलर एटले। ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ શોપ। હવે આ જે સતીશભાઈ જે છે એ ટેલર છે, આ એમનું એમની શોપનું નામ શું હશે? તો કાર્ડમાં ઉપર લખેલું છે બરાબર છે, પલક લેડીઝ ટેલર। આપણે ઘણી વાર જોઈએ છે બરાબર છે, ઘણા બધા ટેલર અલગ અલગ નામથી મૂકેલા હોય છે બરાબર છે, એ પ્રમાણે અહીંયા પલક લેડીઝ ટેલર છે। તો વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ શોપ, ધ નેમ ઓફ ધ શોપ ઇઝ પલક લેડીઝ ટેલર। શોપનું નામ શું છે? પલક લેડીઝ ટેલર એ શોપનું નામ છે। फोर्थ छे, वेर डज सतीश भाई लीव। सतीश भाई क्या रहे छे? जो नीचे एड्रेस पण आपेलू छे सतीश भाई नो, एनी अंदर क्या रहे छे? तो अमरेली में रहे छे। तो सतीश भाई लीव्स इन अमरेली, अमरेली में रहे छे। फिफ्थ क्वेश्चन छे, सतीश भाई इज अ स्पेशियालिस्ट इन। सो आनी अंदर जो अहीं लखेलू छे पंजाबी ड्रेस एंड ब्लाउज स्पेशियालिस्ट, एमनी खासियत शू छे?
તો સતીશભાઈ ઇઝ સ્પેશિયાલિસ્ટ ઇન પંજાબી ડ્રેસ એન્ડ બ્લાઉઝ. પંજાબી ડ્રેસ એન્ડ બ્લાઉઝની એમની સ્પેશિયાલિસ્ટ, એ વ્યવસ્થિત સારી રીતે બનાવી શકે છે, તો એ એમની ખાસિયત છે. તો મિત્રો, આ પ્રકારના જે વિઝિટિંગ કાર્ડના આધારે કોઈ કંપનીની એડ હોય, એનો રેપર હોય, એ પ્રમાણેની એમ રેપરની રેપર પણ આપણી એક્ઝામની અંદર મૂકવામાં આવે છે, અને એ રેપરના આધારે એની અંદર જે માહિતી હોય છે એના આધારે ક્વેશ્ચન પૂછવાના આવે છે, અને આપણે એ રેપરને સ્ટડી કરીને આપણે એના જવાબ આપણે લખવાના હોય છે. તો એના આધારે આ પ્રમાણે આજે એક આપણે રિપોર્ટિંગ કાર્ડ, વિઝિટિંગ કાર્ડ લીધો છે. આ પ્રમાણે અલગ અલગ બીજા એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે, એનો આ એક એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર છે. તો આ પ્રમાણે આપણે એને સમજી, પહેલાં તો આપણે આખો જે વિઝિટિંગ કાર્ડ હોય કે બીજી કોઈ પણ એડ હોય એને સમજી, અને એના આધારે આપણે શું કરવાનું હોય છે, ક્વેશ્ચન જે આન્સર આપવાના હોય છે. આશા છે કે આમાં તમને સમજ આવી ગઈ હશે. ઠીક છે, તો આ પ્રમાણે તમે તૈયારી કરતા રહેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.